बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी ठाकुर के बयान पर गुरुवार को कहा कि ये सभी को मालूम है कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता सीपी ठाकुर ने जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं पहुंचने की बात करते हुए बुधवार को कहा था कि लोगों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में कैसे सुधार हो, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नीतीश ने जू सफारी राजगिरी की जारी विकास कार्यों का गुरुवार को निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान जातीय जनगणना को लेकर ठाकुर के बयान के बारे में पूछे जाने को कहा कि कोई क्या बयान देता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबको मालूम है कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर व्यक्तिगत किसी की कोई राय नहीं हो सकती, वह एक अलग बात है कि लोगों की अलग अलग सोच होती है, उस पर हमारी किसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है।